एंड यू वेलकम टू डिलाइटफुल रसोई। आज हम मैगी के पैनकेक्स बनाने जा रहे हैं जो बच्चों के फेवरेट होते हैं और वेजीज से फिल्ड होते हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर वाटर एज पर रिक्वायरमेंट, बेसन दैट इज ग्राम फ्लोर 1 बाउल, 1 लेमन स्क्वीज प्रॉपरली, कोरिएंडर लीव्स, कैप्सिकम ग्रीन फाइनली चॉप्ड टोमेटोज, अनियंस 1 onion and 1 tomato and 1 capsicum and turmeric powder 1 tablespoon, 1 tablespoon of red chili powder, 1 tablespoon of salt, oil as per requirement and 2 maggie packets small one. हमारी रेसिपी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम अपनी मैगीज को अच्छे से क्रश कर लेंगे, फिर हम एक सेपरेट बॉल में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने मैगी पैकेट्स को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, लाइक कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन कैप्सिकम 1, मैगी बच्चों की फेवरेट होती है एंड दिस इज 1 new recipe फॉर किड्स, टोमेटोज चॉप्ड, 1 onion, ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है, 1 lemon juice, 1 tablespoon of turmeric powder, 1 red chili powder, salt, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको साइड में करके हम अपने बेसन का बहुत गाढ़ा नहीं तो बहुत कम भी नहीं पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके। हमारे देखिए बेसन का पेस्ट रेडी हो चुका है। हमें इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है जो फ्लोई हो। इसकी जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन किड्स के लिए थोड़ा हेल्दी होता है। अब हम अपने मैगी के पाउच इसमें मसाला के डाल देंगे। अब हम इसमें अपना पेस्ट ऐड करेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है। हम इसको अपने पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम अपने पैन केक को फ्राई पैन में बनाने वाले हैं। इसको हमें ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये बहुत सॉगी हो जाएगा। अब फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे एंड अपने पेस्ट को ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करके अब हम अपने मिक्सचर को इसमें डाल रहे हैं। गैस को लो करके इसको स्प्रेड करेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और अपनी शेप ले ले। ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा
थोड़े से ही ऑयल में ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। हमारा पैनकेक अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे सो दैट हमारा पैनकेक अच्छे से रेडी हो जाए। देखिए 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा पैनकेक अच्छे से ये देखिए फिक्स हो चुका है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेट। थोड़ा सा ऑयल इस पे डालेंगे। हमारा ऑयल हीट हो चुका है। अब हम इसको दूसरी साइड से अब हम इसको ढक के 2 to 5 मिनट्स एक साइड से और होने देंगे। गैस हम मीडियम पे रखेंगे ताकि हमारा पैनकेक जले नहीं। अब हम देखते हैं हमारा पैन रेडी हुआ है कि नहीं। इसको हम एक बार फिर से फ्लिप करेंगे, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए ये बहुत क्रिस्पी बना है। आप देख सकते हैं हमारी प्लेटिंग रेडी है। इसलिए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ अगर पसंद आए तो ट्राई भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।